तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। यार उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बहुत बार ऐसा आप लोगों को काम पड़ता होगा कि आप लोग के मोबाइल में एक्सेंडर है, जो भी नाम उसका जेंडर एक्सेंडर जो भी है वो है, और आप लोग उसको चाहते हो कि अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करना। तो आप लोगों को अगर तरीका मालूम नहीं है तो मैं आप लोगों को ये तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को आगे मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मोबाइल की स्क्रीन है और पीसी की स्क्रीन तो आप लोगों को दिख रही है पीछे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सेंडर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेंडर को पीसी से या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। तो यहाँ पे जो प्लस का साइन दिखता है ऊपर टॉप में, टॉप लेफ्ट है शायद, लेफ्ट है या राइट, जो भी है, लेफ्ट राइट है शायद, तो टॉप राइट में जो भी दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है कनेक्ट पीसी, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो तरीके हैं पीसी से एक्सेंडर को कनेक्ट करने के। एक तरीका है वेब कनेक्ट और दूसरा तरीका हॉटस्पॉट। तो मेरा कहने का यही है कि आप लोग वेब कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वेब कनेक्ट में मतलब हो जाता है कनेक्ट। वेब कनेक्ट में एक इश्यू है कि आपका नेटवर्क भी खपत होगा। इसमें वेब कनेक्ट में क्या है कि यहाँ पे आप लोग जो exender.com यहाँ पे पीसी में लगाना पड़ेगा और फिर उसको स्कैन करना पड़ेगा। तो भाई लोग, दो तरीके हैं, एक तो ये वाला, इसमें आप लोगों का डाटा खपत होगा, मतलब आपका जो इंटरनेट यूजेज है वो भी काम में लिया जाएगा। तो इसको तो आप लोगों को करना ही नहीं है, ठीक है। आप लोग करना है हॉटस्पॉट वाले पे क्लिक। ठीक है, ये हॉटस्पॉट वाला है ना, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे करना है क्रिएट हॉटस्पॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जीपीएस लोकेशन के लिए बोलेगा, तो इसको सेटअप करके इसको ऑन कर देना है। और अभी बैक ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने ये सब आया है, ठीक है। तो एंड्रॉयड शेयर नाम से आएगा यहाँ पे पीसी में, तो इसको करना है हम लोगों को यहाँ पे कनेक्ट। तो यहाँ पे अभी रियलमी कनेक्टेड है, तो हम कर लेते हैं इसको एंड्रॉयड शेयर, जो इसमें दिखा रहा है ना एक्सेंडर में मोबाइल में, उस पर कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे पासवर्ड बोला, तो यहाँ पे हमारे पास सामने पासवर्ड सारे दिए हुए हैं, तो मैं इन पासवर्ड को डाल देता हूँ। बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तो 6169695 2E4। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। ये येस नो जो भी आप लोगों को करना है कर सकते हो, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। सो यहाँ पे देखते हैं एंड्रॉयड शेयर कब तक कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है जब। हाँ, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अभी हमको क्या करना है कि अपना जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, क्रोम ब्राउज़र या फिर मोज़िला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा मिनी, क्रोम ब्राउज़र बेस्ट है, मैं तो वही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हमें एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, 192.168.168, ये सारे यहाँ पे डालने हैं, 192.168.43.1, ये अनुपात बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं भाई हमको पता नहीं है, 33455। अभी ये डाल दिया एड्रेस, अभी हमको दबाना है इंटर या फिर गो। तो यहाँ पे मोबाइल में आएगा एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो चुका है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी मोबाइल में 2546 तस्वीरें हैं, 300 वीडियोज़ हैं और 31 म्यूज़िक है, और फाइल्स ये तो है भी नहीं। और यहाँ पे जो कुछ भी आप लोगों को देखना है आप लोग देख सकते हो, कैमरा में कुछ नहीं दिखाएगा, गैलरी में दिखा देगा। डिस्कनेक्ट तो करना ही नहीं है। हमारा कनेक्शन लूज हो चुका था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियोस लोड हो रहे हैं, फोटोज़ भी लोड हो रही है, ये देख सकते हैं वीडियोस लोड हुए, और म्यूज़िक सारे फाइल, ये क्या है भाई, डॉक्यूमेंट्स भी और एप्स, ये सारी की सारी लोड हो रही है, और हम इनको आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो मैं डाउनलोड करके बताने वाला नहीं हूँ। सो बस ये तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से आप लोगों को एक्सेंडर को अपने मोबाइल में कनेक्ट करना है।